हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे कोर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले साउथ की अपकमिंग बिग बजट वाली मूवी जिसका नाम है सलार। इस मूवी की रिलीज डेट कल अनाउंस की गई। प्रशांत नील जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंस की है। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत नील वही डायरेक्टर है जिन्होंने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया है। अब इसके बाद वो प्रभास के साथ मिलकर एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सलार। सलार मूवी 14 अप्रैल 2022 में थिएटर्स में धमाका करने आने वाली है। ये एक और साउथ की बिग बजट वाली मूवी है। इससे पहले बाहुबली थी, बाहुबली 2 थी और उसके बाद KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 और अभी सलार। दोस्तों साउथ में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है बाहुबली 1 और बाहुबली 2, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है KGF चैप्टर 2 तोड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से KGF चैप्टर 2 के टीजर को जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया है, जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्स मिला है, टीजर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं दोस्तों, बल्कि नॉर्थ इंडिया के सर पे भी इस फिल्म का क्रेज है। तो ऐसे में KGF चैप्टर 2 जो है वो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ के साउथ की सबसे ज्यादा हिट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनने वाली है। यानी कि 21 में दोस्तों स्टार यश बॉस जो है वो प्रभास का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों 22 में एक और बार प्रभास जो है अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सलार। जिस मूवी का बजट जो है दोस्तों KGF से भी ज्यादा, यानी कि 150 करोड़ सलार का बजट है। और सलार फिल्म को भी KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ही डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, साउथ की कोई भी फिल्म बजट में या फिर कमाई के मामले में अपना आंकड़ा पार करे, इसमें दोस्तों वहां के स्टार का कोई भी कॉम्पिटिशन एक दूसरे के साथ नहीं होता है। तो ऐसे में एज अ फैन हम लोग भी इस तरीके कॉम्पिटिशन ना करें तो ही अच्छा है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी जो थी वो प्रभास की थी, लेकिन 21 में दोस्तों इस बात की श्योरिटी ज्यादा है कि KGF चैप्टर 2 अभी साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनने वाली है। बात करें सलार की, सलार के डायरेक्टर भी प्रशांत नील है और वो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, तो यहाँ पे भी चांसेस ज्यादा है दोस्तों कि ये जो है KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। फिलहाल तो सलार के बारे में एक ही अपडेट है कि ये फिल्म जो है वो कन्नड़ा और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ इंडियन साइड वाले साउथ की फिल्मों के जिस तरीके से फैन बन गए, उससे तो लगता है कि ये फिल्म जो है आगे जाके हिंदी में भी डब हो सकती है। सलार मूवी को म्यूजिक देने वाले रवि बासरोड, जिन्होंने इससे पहले KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 को म्यूजिक दिया है। यानी कि दोस्तों 21 और 22 ये जो 2 साल है दोस्तों, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से फिल्मों के ऊपर कब्जा करने वाली है, पूरा का पूरा बॉक्स ऑफिस हिला के रखने वाली है। बात करें बॉलीवुड वालों की, तो बॉलीवुड वाले अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि अपनी फिल्मों को वो थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो लोग OTT प्लेटफॉर्म पे अपनी बिग बजट वाली फिल्मों को रिलीज करने से डर रही है। लेकिन साउथ वालों के पास उतनी गट्स है कि वो अपनी फिल्मों को नुकसान भी झेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मेहनत और उनका जो कंटेंट है लोगों को पसंद आएगा ही। उनके फैंस फॉलोवर्स ही इतने हैं कि वो लोग थिएटर्स तक आएंगे ही देखने के लिए। व्यूवर्स को चाहिए क्या? कंटेंट। एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो लोग मूवी थिएटर तक जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड वालों के पास वही नहीं होता है। बॉलीवुड वाले वही साउथ की फिल्मों को ही यहां पे रीमेक बना लेते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया वालों ने ऑलरेडी इन फिल्मों को देखा हुआ है। अब यहां से आगे दोस्तों साउथ की जो भी फिल्म रिलीज होगी वो तो हिंदी में डब हो ही रही है। इस वजह से दोस्तों बॉलीवुड अगर कोई भी फिल्मों को रिमेक करेगा तो ऑलरेडी हमें उसकी स्टोरी पता होगी, तो ऐसे में उन फिल्मों को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने कहा था कि बॉलीवुड के पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, या तो वो साउथ की फिल्मों को यहाँ पे रीमेक बनाते हैं या फिर मुंबई की जो हिस्ट्री है 80s और 90s की उसके ऊपर फिल्म बना लेते हैं। एनीवेज दोस्तों, सलार का यही अपडेट देने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। सलार ये मूवी जो है वो 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में धमाका करने आ रही है। जैसे ही KGF चैप्टर 2 मूवी की शूटिंग कंप्लीट होते ही प्रशांत नील ने सलार मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया। 16 जनवरी 2021 में इस मूवी की शूटिंग जो है हैदराबाद में स्टार्ट भी कर दिया। इस फिल्म में श्रुति हसन भी हमें नजर आने वाली है, जो कि एक लीडिंग रोल प्ले करने वाली है। तो दोस्तों इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम, एटलीस्ट टीजर और ट्रेलर का तो इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से KGF चैप्टर 2 के टीजर रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वैसे हम इसकी उम्मीद रखते हैं कि सलार मूवी का टीजर भी ऐसे ही रिकॉर्ड्स क्रिएट करे। मैं नॉर्थ साइड से हूं लेकिन मैं साउथ की फिल्मों का बहुत ही बड़ा फैन हूं। जिस तरीके से बाहुबली फिल्म को रिस्पांस मिला, जिस तरीके से बाहुबली फिल्म उन्होंने बनाई है, इस वजह से दोस्तों साउथ के जो डायरेक्टर्स है, साउथ के एक्ट्रेस है, इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है नॉर्थ वालों का कि वो एक अच्छा कंटेंट वाला और एक अच्छी मूवी ही लाएंगे जो थिएटर में देखने के बाद तालियां और सिटी दोनों बजाने में मजबूर करेगी। और इसी उम्मीद पे खड़ी उतरी है KGF चैप्टर 2 और अब आने वाली सलार भी ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी ऐसी ही रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका कोई फीडबैक है वो भी मुझे कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।